ग्वालियर में एक युवक ने नाबालिग के प्यार में थाने में जहर खाकर जान दे दी। 24 साल का युवक 15 साल की लड़की को भगा ले गया। उसके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार सुबह दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर थाने पहुंचे। यहां उल्टियों के बाद युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने प्रेमिका के पास से भी जहर की पुड़िया बरामद की। लड़की ने भी मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में कहा कि वो मर्जी से युवक के साथ गई थी। मामला जनकगंज थाना इलाके का है, जहां शांति हाई स्कूल के पास की रहने वाली 15 साल की लड़की 18 मई को लापता हो गई थी, जहां जानकारी मिली कि पास के ही रहने वाले किन्ना उर्फ कृष्णा जैन उसे लेकर गया, जिसके बाद छात्रा के परिजन ने कृष्णा जैन पर अपहरण का केस ठोक दिया। जांच में पता चला कि कृष्णा पर मारपीट और धमकाने के साथ मामले पहले से दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस ने कृष्णा की तलाश शुरू की। शुक्रवार तड़के कृष्णा और उसकी 15 साल की प्रेमिका एक दूसरे का हाथ थाम कर सुसाइड के इरादे से थाने पहुंच गए। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लड़की को अलग बैठा दिया। पुलिस उससे पूछताछ करती इससे पहले ही वो उल्टियां करने लगा, जहां उसने जहर खाने की बात बताई। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई और इसके बाद पुलिस ने कृष्णा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं लड़की की तलाशी लेने पर लड़की के पास से भी जहर की पुड़िया बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि कृष्णा उल्टियां कर रहा था, तब पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। वहीं हालत बिगड़ने पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले की गंभीरता को समझा। थाना परिसर में ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद भी औपचारिकता के लिए पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची। हालांकि पुलिस अस्पताल में ही मौत होने की बात कह रही है। घटना के बाद मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान हुए हैं, जहां उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी। पूरे मामले में एसएसपी ग्वालियर अमित सांगी ने कहा कि लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस छानबीन कर रही थी और तभी दोनों थाने पहुंचे। उससे पहले युवक जहरीला पदार्थ खा चुका था, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। लड़की की तलाशी ली गई तो उसकी जींस में एक पाउच मिला, जिसमें कि माउथ फ्रेशनर के साथ सल्फास की गंध आ रही थी। लड़के को तुरंत देखा गया तो उसने बताया कि वो पुड़िया खा चुका है। इस पर से तुरंत उसे JS अस्पताल भेजा गया, जहां सुबह 6:30 बजे इसकी मृत्यु हो गई।